आधारे खालिस्तानियों, पहली गोली लगेगी बिट्टे का सीना पार करेगी, फिर मेरे गुजराती यूपी भाई के पास लगेगी। इनकी ऐसी की तैसी, ये रोज जो कहते हैं ना भैये भैये, इनको को भैये नहीं, ये गुजरात, ये बिहार, ये यूपी पूर्वांचल, उनकी इज्जत करना सीखो। हमें किसी ने कहा हो सिखा, किसी ने कहा, हर आदमी कहता सरदार जी अगर यूपी का बिहार का जिस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करते हो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पहले भी आया था यहाँ पे और आपके पास भगवान से हाजिरी भर के, आप बेटा स्पीकर बंद करा दो, तो यहाँ कह के आए थे कि हम दोबारा उस वक्त आएंगे जब ज्ञान बापी जी का दर्शन होगा और उसके बाद खुला है, तो आज ही मैं दर्शन करने आया हूँ, आपसे बात करके गया था मैं। अब कई और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि अंदर और भी कई हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वो भी एक हिंदू धर्म की तरफ से ये है कि वो भी हमको मिलने चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात जो कहूँगा कि सबसे बड़ी बात कहूँगा, अगर राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया और मुसलमान भाइयों का शुक्रिया कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई विरोध नहीं किया, सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी मिसाल बनी और आज भी एक सेकुलरिज्म की मिसाल बने, और मुस्लिम समाज के मेरे भाई सामने आके करके कहे, अगला मथुरा और काशी जो ज्ञान बापी में कुछ और अंदर ऐसे स्थान हैं भगवान के, उनको भी खोल दिया जाए, यह दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सबूत होगा। और पाकिस्तान जो दुश्मन देश, जो रोज़ कोई ना कोई शरारत, कश्मीर के बाद कभी किसान आंदोलन में बीच में लोग घुसेड़ देता है, कहीं कुछ कर देता है, करारी चपेड़ बजेगी कि ये देश, ये भारत, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, कोई भी बाहर की शक्तियां कितना भी जोर लगा ले पर जब हिंदुस्तान एक है कोई उसका फर्क नहीं पड़ सकता। राम जन्मभूमि की मिसाल आपके सामने आज और ये रिजल्ट मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ आज भगवान के चरणों में, महादेव के चरणों में ये प्रेयर करके गया हूँ, आया हूँ, पहले भी की थी, आज पूरी हुई कि अगला मिशन काशी और मथुरा जो है वो होना चाहिए, वो भी बड़ी जल्दी उम्मीद होगी वो भी खुलेगा। तो बिट्टा जी, अभी हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया था, हाँ, इस जो ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के विरोध में इसको डिसकंटिन्यू कराने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसको उससे डिसएग्री हो गया, उनकी जो एप्लीकेशन, देखो मैं एक चीज अपने मुस्लिम भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर पीर पैगंबर की जगह होती, अगर जब अजमेर शरीफ की जगह होती, शायद मेरा हिंदू भाई भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करता। ये बाबर, ये औरंगजेब, ये जालिम, ये मानवता को मारने वाले, ये गुरु नानक देव जी महाराज को जेल में डालने वाले, ये औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों को नियों में चनवाने वाले, ये हमारे गुरुओं पे जुल्म करने वाले, ऐसे जालिमों के साथ अगर मेरा मुसलमान भाई खड़ा होता है तो फिर इतिहास के क्या खूनी पन्नों को खोलना चाहते? वो जालिम थे, आज के मुसलमान भाइयों को नहीं कहना चाहता, बाबर औरंगजेब एक जालिम थे जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहबजादों पे जुल्म किया, जिन्होंने पंजाब के अंदर जुल्मों की हदें पार कर दी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर लाल किला में शीश निशावर किया मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। तो आज मेरे मुसलमान भाई आगे आए, जैसे राम जन्मभूमि पे मुसलमान भाई आगे आए, मंदिर में गए, मत्था टेका, सेकुलरिज्म का सबूत गया। हाँ, इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ हिंदुस्तान के लोगों से, हमारे के पंजाब के अंदर सिख भाइयों ने विरोध किया राम जन्मभूमि के जाने के लिए, सिख वहाँ ना जाए, पर मुसलमान भाई गया। तो आज जो भी कोर्ट कचहरी में मेरे मुसलमान भाई जा रहे हैं,
मैं उनको कहूँगा, हाथ जोड़ करके कहूँगा कि सेकुलरिज्म का सबूत दें। फैसला भगवान महावीर जी, भगवान महादेव की, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से फिर फैसला आएगा। जो सच है वो हिंदू धर्म के लिए आएगा, तो सेकुलरिज्म का सबूत दें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बिट्टा जी आपने अभी किसान आंदोलन के पीछे जो साजिश करता है उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। हाँ, क्या यूपी में किसान आंदोलन है? क्या बिहार में किसान आंदोलन है? क्या गुजरात में किसान आंदोलन है? क्या मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन है? क्या कर्नाटका में किसान आंदोलन है? पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इलेक्शन सिर पे और किसान आंदोलन और खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, और हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री जो इस राष्ट्र को विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं उनको मारने की धमकी देते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। क्या इंदिरा गांधी को इन्होंने शहीद नहीं किया? क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद नहीं किया? क्या पंजाब के अंदर, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर किसान आंदोलन में घुस करके आतंकवादियों की मदद करने वाले, खालिस्तान के नारे लगाने वाले, क्या पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं किया? क्या 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम नहीं किया? क्या अभी भी खून के प्यासे हैं? पहले नरेंद्र मोदी जी गए फिरोजपुर के अंदर पैकेज देने, पंजाब को खुशहाली के लिए, विकास के लिए, इन्होंने वहाँ बॉर्डर एरिया में उनको घेर लिया। एक तरफ 50 किलोमीटर पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान का बॉर्डर 25 किलो, तीसरा 70 किलोमीटर, और वहाँ घेर लिया। आप कहते नरेंद्र मोदी को मारेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी सामने आ, नहीं क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान नहीं है तो कौन लोग आएंगे? किसान है नहीं है तो कौन लोग आएंगे? नहीं, किसान लीडर जो बीच में घुस करके ये कहना चाहते हैं हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कहाँ जाना चाहते हैं जी? जब सेंटर के मंत्री उनके पास आ रहे हैं, जब दिल्ली के अंदर वार्ता थी विज्ञान भवन में, मेरी जज प्लस सुरक्षा, मेरी 20 बार चेकिंग होगी, किसानों का लाल कारपेट से स्वागत हो रहा है। क्या दिल्ली के में आके दिल्ली को जैसे लाल किला में दहलाया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों को रोदा गया, क्या PM हाउस घेरना चाहते हैं? कल को पाकिस्तान ISI की तरफ से को गोला बारूद लेके अगर PM हाउस राष्ट्रपति की धर्म चले जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसान लीडर लेंगे? तो किसान लीडर कौन है? खालिस्तानी सपोर्टर है, कौन है ये लोग? देखो, किसान लीडर उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पर बीच में घुसते उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं दिल्ली में रैलियां करता रहा तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लोगों को लेके आया हूँ। लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, कौन जिम्मेदार है? किसान लीडरों के हाथ से आंदोलन चला गया, अब आंदोलन हाथ से चला गया, फिर ट्रैक्टर बीच में पाकिस्तान। पन्नू ने कहा, रोज धमकियां देता है, उसने कहा कि जम्मू कश्मीर से, करतारपुर साहब पंजाब से, राजस्थान से हथियार आ चुके हैं, हथियार उठाइए और दिल्ली पे कब्जा कर लीजिए। इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने हिंदुस्तान धर्मशाला समझ रखा है क्या? अब इसका क्या हल निकलेगा, आप ही बताइए। कोई हल नहीं। देखो देखो दो बातें, हल नरेंद्र मोदी जी किसानों के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के अंदर अगर किसान आंदोलन कोई है तो ठीक है, पर धमकी रोज देना, रोज थ्रेट करना कि प्रधानमंत्री जी का बात मानो नहीं तो हम आपको मार देंगे, ये भारत है, ये आज का भारत है, ये बात हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री को मार देंगे, उनको आप क्या चेतना देना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे? अरे उनको कहना, उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, पहले भी पंजाब के अंदर कहते थे, अगर यूपी के, बिहार के, गुजरात के, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज को यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं तो गोलियाँ मारेंगे। मैंने कहा था, अरे खालिस्तानियों, पहली गोली लगेगी बिट्टे का सीना पार करेगी, फिर मेरे गुजराती यूपी भाई के पास लगेगी। इनकी ऐसी की तैसी, ये रोज जो कहते हैं ना भैये भैये, इनको भैये नहीं, ये गुजरात, ये बिहार, ये यूपी पूर्वांचल, उनकी इज्जत करना सीखो। हमें किसी ने कहा हो सिखा, किसी ने कहा, हर आदमी कहता सरदार जी, अगर यूपी का, बिहार का जिस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा।